हम लोग बक्सर लोकसभा क्षेत्र के सिंडिकेट मोड़ पे हैं, बक्सर शहर में हैं, और यहाँ पे जानेंगे कि आखिर भाई बक्सर में इस लोकसभा क्षेत्र में कौन जीत रहा है और आखिर इस बार बक्सर का जो है सांसद कौन बनकर आएगा। आनंद मिश्रा आईपीएस लड़ रहे हैं निर्दलीय, भाजपा के कैंडिडेट मिथिलेश तिवारी हैं। तो दूसरी तरफ बात करें तो सुधाकर सिंह आरजेडी से लड़ रहे हैं। तो चलिए मोहम्मद जावेद है। क्या जावेद साहब, क्या हाल है बक्सर का? कुछ ठीक है सर। आपका फल का दुकान है? हाँ सर। क्या माहौल है, कौन निकल रहा है? देखिए सर, अभी कोई काम से बुझा रहा नहीं है। देखिए हम कुल किसके नाम पे वोट इस बार आप लोग कर रहे हैं? विकास के नाम पे कि जो है रोजगार के नाम पे या बदलाव के नाम? विकास कौन करेगा तो कोई जीतेगा सर। विकास से नहीं हो रहा तो क्या आदमी किसको कर। बक्सर में विकास नहीं हो पा। कहाँ हुआ विकास का? एक साल जीता, अभी देखिए अभी कोई चुनाव पर अभी कोई हम ही सब ने बढ़ा दे आपको देंगे सब ये है आपकी कल सुधाकर सिंह अच्छा है बक्सर से, उनको देंगे सब। बक्सर से सुधाकर सिंह अच्छा? हाँ बढ़िया है। आरजेडी वाले? हाँ आरजेडी वाला है उनको। हाँ उनको दें, कुछ नहीं हो रहा। मोहम्मद जावेद नाम है। अरे अपना मत बताइए, लोग क्या चर्चा कर रहे हैं ज्यादा, किसका नाम ले रहे हैं? आनंद मिश्रा, आईपीएस आनंद मिश्रा। हाँ नाम चल रहा है? हाँ नाम चल। देखिए आईपीएस आनंद मिश्रा जो निर्दलीय उम्मीदवार है उनके बारे में एक ठेला चालक जो है जो कि मुरब्बा बेचते हैं, मुरब्बा बोलते हैं ना जी? हाँ पेठा बोलते हैं। पेठा मुरब्बा वो बेच रहा है, कह रहा है कि आनंद मिश्रा का नाम चल रहा है। हाँ चल रहा है। मनोज कुमार यादव। यादव जी? जी। टेम्पू चालक है? जी जी सर। हाँ ये कौन इलाका कहलाता है बक्सर का? मझरी है, बक्सर है, सिंडिकेट है। सिंडिकेट? सिंडिकेट जी। क्या माहौल है इधर का बक्सर में? क्या माहौल है? आरजेडी या फिर भाजपा या निर्दलीय? आरजेडी। आरजेडी? तेजस्वी यादव काम किए हैं? कब तो काम किए। क्या नाम हुआ आपका? अनिल यादव भैया। यादव जी भाई, आपका भी टेम्पू है? हाँ भैया। क्या माहौल है बताइए? अरे तेजस्वी आवत रहे भैया आपकी सरकार में। लालटेन माने जली 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 ना लालटेन इमरजेंसी जली। हां माने ई बार जोन बक्सर में लालटेन जला के रखा एकदम जला था। कमल भूत गोइल? भूत गोइल? कमल भूत? हां भूत गोइल। ऐसे कि पानी अपने के न भेदा त रसुखा रगुल बा मुरझा गोइल बा। हां अब ओकर में रहनी के रस नहीं के। हां लालटेन में तेल जल गइल बा। जल इमरजेंसी? हां इमरजेंसी वाली जो है लालटेन जलेगी। क्या नाम है आपका? बस आरजेडी भैया। नाम बताइए। मनोज यादव। सब यादव जी एक साथ बानी जाए। हाँ भैया आरजेडी भैया। भैया लोग भैया खोले भी मुँह जन जे खोले भी नु कमाई होत नहीं है टेम्पू से इतना महंगी चप्पल है बा क्या करो बो क्या क्या बोल रही हैं? मोदी जी कहते हैं भैया कि 300 रुपया करू तेल हो अबकी भैया अगर सरकार में आई तो 300 रुपया लीटर करू तेल खाए के लोग के मिले। हाँ चावल कहते रहे 60 रुपया लीटर आए किलो बेचाए, आटा 100 रुपया ठेके या 60 रुपया ठेके, अब तो अहिला के बाद पता चले। महागठबंधन की सरकार जरूरी जरूरी। अरे आरजेडी भैया लालू यादव जिंदाबाद। लालू यादव जिंदाबाद। टेम्पू चालक लोग एकदम जोश में है, लालू यादव जिंदाबाद कह रहे हैं। क्या नाम है भैया? राहुल यादव। सब यादव जी एक साथ, सब टेम्पू चालक यादव जी वालों का जी? सभी टेम्पू यादव यहाँ पर यादव है ज्यादातर। यादव स्टैंड है कि कौन? नहीं नहीं यादव स्टैंड थोड़ी है, यहाँ सिंडिकेट स्टैंड स्टैंड है, टेम्पू स्टैंड। क्या माहौल है बताइए? भगवा गमछी पहने हुए हैं जी? भगवा गमछी जरूर पहने हैं हम और क्या। मोदी जी? नहीं मोदी जी क्यों? हाँ। नहीं हमको तो लालटेन देना है। लालटेन? लालटेन। सुधाकर सिंह जी? हाँ? जी काम होगा? होगा क्यों नहीं होगा। आई नीतीश 10 वर्षों से भाजपा आकर यहाँ पर क्या किया हम लोगों के लिए? हाँ। क्या किया है अभी तक? बाहरी कैंडिडेट उतार देती है भाजपा बार बार चला कर, कोई भागलपुर से आ रहा है, कोई विक्रमगंज से आ रहा है, क्या कर गोपालगंज? गोपालगंज वही गोपालगंज लालटेनगंज को बोलता है तो हम लोग तो भाई मारेंगे सिर्फ लालटेन पर ही। क्या जी? ठीक है ठीक है ठीक है। क्या ठीक है? कौन ठीक है? बस वैसे ठीक है। भाजपा आएगा? भाजपा आएगा। भैया देखिए दोनों साथ में बैठल है, इधर से आरजेडी का आवाज आया है तो इधर से भाजपा का आवाज आया है। कहाँ हो? बस इसी तरह। क्या नाम पड़ी? सोनू सिंह। बाबू साहेब? हाँ। जादव जी रघुवंशी यदुवंशी एक साथ सब संग, लेकिन गड़बड़ इधर भाजपा उधर आरजेडी है। अच्छा सब कुछ हो जाए, हमारा करना थोड़ी है, हम जातिवाद पे वोट पड़ता है जी? जातिवाद पे वोट थोड़ी देना है। हम लोग तो 10 वर्ष मौका दिए ना बीजेपी को यहाँ पर कुछ कर दिखाने का। क्या किया नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए, कुछ रोजगार के लिए क्या किया? हम लोग फिर भी वहीं के वहीं हैं तो कुछ तो होना चाहिए आगे चलकर। वही इसीलिए हम लोग को अब नेता बदलना है यहाँ पर।
पार्टी बदलना है, नेता बदलना है। आइए, क्या नाम हुआ? राकेश कुमार यादव जी। हाँ हाँ, सब यादव जी एक ही जगह जुटान कर दिए हैं आप लोग। एकदम मैंने पूरा एकदम एक छत्र राज कर रहे हैं। बुढ़नपुरवा पूरा सिंडिकेट यादव का गढ़ है। गढ़ है, क्या माहौल है इस गढ़ में? यादव के गढ़ में कौन निकलेगा? कमल खिलेगा, लंटेन बढ़ेगा, कमल नहीं खिलेगा, निर्दलीय का सेब नहीं खाइएगा। सूखा में गया वो मुरझा गया फूल आपकी परे। हाँ, सुखाड़ हो गया। सुखाड़ हो गया। आनंद मिश्रा कैसे हैं? आईपीएस आनंद मिश्रा, अब किसी के फेरा में नहीं है। हम लोग लंटेन का अपना देंगे, अपना काम करेंगे। हाँ, क्या क्या बोल रहे हैं आप? आनंद मिश्रा जूता चोर अभी है। क्या क्या क्या? जूता चोर। कौन? आनंद मिश्रा है। मंदिर से जूता चोरा के भागा था। कहाँ पे? नाथ बाबा। कहे कब हुआ, कैसे हुआ? जब इल्जाम लगा रहे हैं आप, जब पर्चाकरण करने आए थे तब। हाँ, दर्शन करने गए, जूता चोरा के लेके भाग गए। इल्जाम लगा रहे हैं चोरी का आईपीएस पे, एक्स आईपीएस। ना सर, सही बात बा कि दर्शन करे गोइले हमार जूता वही गाड़ी गायब हो गई। तब मुँह के कर कहब कि जूता चोरा रहे हैं, केकरा कहब? बड़ा बड़ा गंभीर इल्जाम लग रहा है। क्या नाम है जी? नमा बताइए। नाम बता के हम क्या करो? नाम बता के, नामे पे तो दुनिया टिकल बा। बताइए होने बता। आधार कार्ड पे नाम, राशन कार्ड पे नाम। मोदी जी के राशन मिले ला? हाँ मिल ला। मिल ला, मोदी जी अच्छा काम के लिए बने। हाँ, उज्ज्वला योजना का उपयोग भइल बा? ना ना। आई क्या बात कर, क्या क्या सर? नौकरी लागल हमार खत्म हो गई, खाली नाम जो हुआ हमारे पिता के, वो नाम के चलते हमार बैठक में खत्म बानी। क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार यादव जी सर। जैसे पिताजी हमारे नौकरी छोड़ के बैठ गएलन, बैठ गए तो नौकरी दे दिलन हमारे के, तो सर्टिफिकेट में नाम जो हुआ गुल के चलते हमारे नौकरी नहीं के हो पावत। हाँ, फिर से परीक्षा में क्या माहौल बा? माहौल ठीक बा। कौन? बीजेपी। बीजेपी? ना ना, यादव जी बोल रहे हैं बीजेपी। अरे ना ना, हमारे भुला गए नी, भुला गए नी, लमटेनिया बानी, लमटेनिया बानी, ये गड़बड़ हो जाता है। ना ना गड़बड़ ना, दिल के बात जुबान पे आ जाती है। ना ना, ओसन बात नहीं के। अरे लटपटा जा आदमी, लटपटा जो लटपटा जी तो ना ही हो जा, कैसे लटपटा जाए ना। आइए कि और कुछ लोगों से बात करते हैं। भाई बक्सर में आए हैं तो माहौल जानिए। ये लोग जो है वोटर हैं और ये लोग जो है वोट जाके देंगे। आपका टेम्पो है गाड़ी? नहीं, हमारा नहीं है उनका। क्या माहौल है बक्सर का? बक्सर का माहौल ठीक है। कौन निकल रहा है अब ये तो वोट देने के बाद? कौन मैंने जीते? हवा क्या है, हवा लोग क्या कह रहे हैं? चर्चा किसकी है? हवा तो दोनों तरफ का है, भाजपा और आरजेडी। आनंद मिश्रा कहीं नहीं है? है, वो भी हैं, उनका भी बात चल रहा है, चर्चा चल रहा है। चल रहा है, चल रहा है। माहौल जानने आए कि भैया आखिर किसकी हवा ज्यादा है। क्या जी, क्या हाल बा? ठीक बा, एकदम पान खा रहा बोले। कौन निकला था बक्सर? बक्सर में हम ना रहते रहे, हम पटने रहते रहे। हवा सुनत? हवा सुनत नहीं तो अब ध्यान में नहीं खेब इलेक्शन के बारे में। हमारा ध्यान नहीं खेब, कब घर का पता मत भूल जे। नहीं खे इनकरा। क्या जी, पान के गुमटी पे खूब चर्चा होला इलेक्शन के, बताई। आइए इधर देखिए कैमरा, बस लास्ट है। क्या माहौल है? माहौल तो आरजेडी का है यहाँ पे। आरजेडी का है? आरजेडी निकाल सकती है इस बार? जीतेगी आरजेडी? सुधाकर सिंह निकल रहे हैं। देखिए सुधाकर सिंह का माहौल जो है वो बक्सर के इस क्षेत्र में है, आरजेडी का एक तरफा माहौल जो है वो इस क्षेत्र में है। हम दिखा रहे हैं आशा एक बार पे आपको खबर कि भाई बक्सर में इस बार कमल खिलेगी या लालटेन जलेगी या निर्दलीय वाला सेब लोग खा के हेल्दी हो जाएंगे। तो खबर में इतना ही, आप देख रहे हैं आशा एक भारत। अभी हम बक्सर में थे, माहौल दिखा रहे थे बक्सर का। आप अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि आखिर बक्सर इस बार कौन जीत रहा है। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं आशा एक भारत। धन्यवाद।